डीजीपी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस पेंशनर कल्याण संस्थान से संबंधित गोरखपुर के पुलिस पेंशनरों की त्रैमासिक बैठक रिजर्व पुलिस लाइन के पुलिस मेस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सेवानिवृत्त डीआईजी वीरेंद्र श्रीवास्तव, पुलिस पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित अन्य अधिकारी व सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर हेल्थ कैंप लगाकर रिटायर्ड पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। गोष्ठी में पुलिसकर्मियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के साथ शासन द्वारा निर्गत नई योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए पुलिस पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव पूजन सिंह तथा एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा, हम दुखी क्यों हैं? इच्छा है, अगर आपके मस्तिष्क में, आपके मानस पटल में अपेक्षा का सृजन हो गया है, आध्यात्मिक द्वंद है मनुष्य में और ईश्वर में, अगर होगा तो दुख होगा। ईश्वर कहते हैं कि ऐसा तुम्हारे कृत्य, तुम्हारे चिंतन तदनुसार जो तुम्हारे लिए शुभ होगा वह मैं करूंगा। तो ईश्वर आपके मन वाली नहीं कर रहा है, अब मेरे मन वाली नहीं कर रहा है तो द्वंद शुरू हो गया और दुख यहीं से शुरू हो गया। ये दो चीजें हैं, निष्प्रिय होकर, अकर्मी होकर कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि न मे कर्माणि लिम्पन्ति। हमारे आईजी साहब ने पूरा गीता का, आपने बिल्कुल सांख्य वेद और द्वैताद्वैत पाठ पर बहुत अच्छा लिखा है आपने, आपकी पुस्तक मेरे पास। तो भगवान कृष्ण कहते हैं 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में कि न मे कर्माणि लिम्पन्ति और न मे कर्म फले स्पृहा, इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न समर्थ्यते। कोई आया नहीं, जब तक वो आएगा नहीं तब तक कुछ काम होना नहीं है। अभी इसका मंत्री खाली नाम मात्र भी हुआ नहीं, उनका नाम आपको करना है। जब बंद हो जाएगा तो खबर आप लोगों को मिल जाएगा। हो गया मेरी सिग्नेचर से और एमओयू होता है चला गया जो ऑफिसर आ गया, एक बार वहाँ से रेफरेंस आ जाएगा तो मेरा नाम श्री पूजन सिंह है, मैं पुलिस पेंशनर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं डिप्टी एसपी रैंक से रिटायर हुआ था। पुलिस पेंशनर्स की आदेशानुसार डीजीपी त्रैमासिक बैठक हुआ करती है, हर तीसरे महीने पर एक बैठक होती है जिसमें पूरे ज़िले के पेंशनर्स जो है आते हैं और उसमें एसएसपी से अपनी जो भी उनकी समस्याएँ होती हैं उसको बतलाते हैं, उसका निवारण जो है एसएसपी द्वारा किया जाता है। आज की बैठक में तो ये बड़ी अच्छी बात है कि गोरखपुर जनपद के इतने पेंशनर्स हैं, 250-250 पेंशनर्स आए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई समस्या नहीं, मात्र 3 समस्या की एप्लीकेशन पड़ी है। इससे मतलब है कि इन लोगों की समस्या रहित हैं सब लोग, और कोई उनको जो है नए नए नियम जो है कानून आता है उसको बताया जाता है। अभी जो है ये चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में डीजीपी का आदेश आया है उसको बताया जाएगा, और भी तमाम नई जो बातें होती हैं उसको इन लोगों के अवगत कराया जाता है कि ताकि इन्हें कोई असुविधा ना हो पावे। स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है जी, हेल्थ कैंप भी लगाया गया है। हाँ, हेल्थ कैंप भी लगाया गया है, यहाँ गर्ग हॉस्पिटल का कैंप है, बराबर आता है, और एक वो दांत के हैं डेंटिस्ट डॉक्टर सौरभ पटेल, वो भी आते रहते हैं, उनका पूरी टीम आई हुई है और उन लोगों द्वारा चिकित्सा किया जा रहा है सब। आज एक त्रैमासिक बैठक पेंशनर्स के साथ की गई थी और काफ़ी पेंशनर्स का यहाँ पे प्रतिसाद भी मिला, उनका मेडिकल चेकअप भी किया गया और इनकी समस्याओं को आज सुना गया, उनके एप्लीकेशंस भी लिए गए और उसके ऊपर उचित तरीके से कार्रवाई भी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को बताया किया करवाई जाएगी।
इनकी मेजर समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड होती है, हेल्थ से रिलेटेड है कि जो अभी CGHS जो स्कीम शुरू हुई है उसके संबंध में इनको कुछ जानकारी चाहिए थी, उसके बारे में ब्रीफिंग किया गया। कुछ इनके जो ट्रैवल अलाउंसेस है इसके बारे में उनको ब्रीफिंग की गई, उनके कुछ सवाल थे उसको उत्तर दिया गया। यहाँ पे गोरखपुर पुलिस के पुलिस ऑफिस के जो अकाउंटेंट हैं बड़े बाबू हैं उनकी भी उपस्थिति रही और उन्हीं के उपस्थिति में इन लोगों को ब्रीफिंग किया गया।